आतिक की बहन आयशा की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होगी। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में दोपहर करीब 2 बजे इस मामले की सुनवाई होनी है। पुलिस को आज अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा और पिछली कई सुनवाई में पुलिस ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने आयशा नूरी को आरोपी बताया है। मेरठ में आयशा के घर पर ठहरा था बमबाज गुड्डू मुस्लिम। तो आयशा के घर पर ही गुड्डू मुस्लिम ठहरा हुआ था। अतीक की बहन आयशा की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होगी और अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी अभिषेक। मोनिका, 11 अप्रैल जब पहली तारीख थी, जब 11 अप्रैल को आयशा नूरी ने सरेंडर याचिका दायर की थी अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, लेकिन जब ये 12-13 अप्रैल को अतीक अहमद दूसरी दफा साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था और 15 अप्रैल को हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से ही पहले से ही आयशा नूरी लगातार फरार चल रही है और सरेंडर याचिका हालांकि उन्होंने डाली जरूर है कोर्ट में, लेकिन अभी चूंकि धूमनगंज पुलिस की तरफ से आख्या रिपोर्ट अभी तक कोर्ट में सौंपी नहीं गई है। पुलिस ये बताएगी कि आयशा नूरी भी इस पूरे मामले में गुड्डू मुस्लिम को शह देने के लिए, पनाह देने के लिए, शरण देने के लिए आरोपी बनाई गई है। उसके बाद ही कोर्ट ये आदेश देगा कि हाँ, आयशा नूरी सरेंडर कर सकती है, लेकिन अभी तक पुलिस ने चूंकि ये रिपोर्ट नहीं सौंपी है, लेकिन आज इस सरेंडर याचिका पर एक दफा और सुनवाई होनी है। मोनिका, किस वक्त ये सुनवाई हो सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी अभिषेक? जी, सवाल आप दोहराएं मोनिका, किस वक्त इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है? देखिए, दोपहर 2 बजे के आसपास इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी है और कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि क्या आयशा नूरी को इस बात की इजाजत दी जाती है कि वो कोर्ट में सरेंडर करें। अगर सरेंडर करती हैं तो उसके बाद उनको वहीं से ही कोर्ट से ही जमानत मिल जाती है। ये तमाम सवाल हैं जो कि जब पुलिस आख्या रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ही ये तय हो पाएगा, लेकिन 2 बजे के बाद आज ये सुनवाई होनी है। ठीक अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है आयशा नूरी और आयशा नूरी के घर पर ही बमबाज गुड्डू मुस्लिम ठहरा हुआ था।